तो आज है हमारे मेहंदी क्लास का डे 4 यानी चौथा दिन। तो हम सीख रहे हैं बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी कोर्स। तो हमारी पहले की 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो उम्मीद है कि आपने पहली क्लास, दूसरी और तीसरी को अच्छे से कवर किया होगा और जो चीज़ मैंने बताई है उसको अच्छे से बना के रिपीट की होंगी। अगर फिर भी वो चीज़ें नहीं बना रही हैं तो आप कई बार उसको दोहरा के बनाइए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम फीलिंग्स के बारे में सीखेंगे कि कोई भी डिज़ाइन हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कैसे डिज़ाइन को भरना होता है, ओके। तो इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स के अंदर पहले एक छोटा हम सर्कल बनाएंगे। जैसे हम बॉक्स बना लिए तो इसमें थोड़ा सा हमें फीलिंग करने में आसानी होगा। अगर जो हम डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे हमारी पैसली की डिज़ाइन होती है, फिर बहुत से हम डिज़ाइंस आगे बनाना सीखेंगे तो उसमें हमें कैसे फील करना है, तो ये सारी जो डिज़ाइनें आज मैं बताऊंगी इसको ही वहाँ पे हमें फीलिंग करना होगा, अंदर भरते हैं डिज़ाइन को। तो आपको राउंड सर्कल लेना है एंड उसके ऊपर क्या करना है, छोटे छोटे हम्स बनाना है। हम्स जो होगा वो लाइट बनेगा एंड उसके ऊपर डॉट देना है और डॉट के ऊपर हम कर्व लाइन देंगे। जहाँ जहाँ बीच में हमारे डॉट के गैप होगा वहाँ हमारी लाइन नीचे झुकेगी, फिर ऊपर झुकेगी और कर्व लाइन बन के एक रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको फीलिंग करना है। अगर आप कोई भी चीज़ें बना रही हैं और फीलिंग का ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे, तो हम इस डिज़ाइन को भर सकते हैं उसके अंदर। तो कहीं भी इसमें गैप नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया तो आपको वहाँ पे छोटा सा हम्स बना के फिल कर देना है। इसी तरीके से बॉक्सेस में पूरा जो एक ही डिज़ाइन है हम इसी को भरेंगे। अभी ये हल्का डिज़ाइन मैं बता रही हूँ, अभी बॉक्सेस में और हार्ड डिज़ाइनर्स भी हम सीखेंगे कि कैसे कैसे भरा जाता है। फिर ब्राइडल में हम कौन सा भरेंगे ये भी हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। तो अभी नॉर्मल जो डिज़ाइंस है भरने वाला हम वो सीखेंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ हार्ड ब्राइडल की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे बॉक्सेस में राउंड सर्कल पहले बनाना है, फिर छोटे छोटे हम्स बनाना है एंड हम्स के ऊपर हम डॉट देंगे। डॉट देने का तरीका हम सीखे थे सेकेंड क्लास में कि हमें डॉट कैसे देना है। तो अगर आप वीडियो में नहीं हैं और डॉट्स देने के बारे में नहीं पता है तो आप सेकेंड क्लास को ज़रूर देखें। सेकेंड बॉक्स में हम क्या करेंगे, स्पिरल बनाएंगे। स्पिरल बनाने भी हमने सेकेंड क्लास में सीखा था कि स्पिरल को किस तरीके से बनाना है। तो आप बॉक्सेस में पहले स्पिरल बनाएं, फिर उसके ऊपर हमें एक कर्व लाइन यानी हाफ सर्कल को बनाना है एंड हाफ सर्कल बनाने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हम्स बनाएंगे। डबल हम्स बनाना है डबल लाइन में, जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो में। पहले हम बनाएं, फिर उसके ऊपर एक और बनाना है। ये जो हमारी डिज़ाइन है, जब हम मोर बनाते हैं, जो हमारी पीकॉक होती है, उसमें ये हम फिलिंग करते हैं छोटे छोटे हम्स को। इस तरीके से आपको पूरे बॉक्सेस में एक के ऊपर एक हम्स बना के भर लेना है। इसे हम पीकॉक वाले डिज़ाइन में बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट बॉक्स में हम स्पिरल बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस, स्पिरल बनाना है, फिर उसके ऊपर एक कर्व लाइन यानी हाफ सर्कल की तरह लाइन बनाना है एंड देन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्मॉल स्पिरल खींचे मतलब ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हमें क्या करना है, वही स्मॉल स्पिरल को हमें बड़ा बनाना है। फिर देन उसके ऊपर हमें लाइन ड्रॉ करना है, डबल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करें क्योंकि जो हमारा बिग वाला स्पिरल बने बड़ा स्पिरल बनाया हम उसको अभी भरेंगे। भरने का देखिए प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम डिज़ाइन ऐसे भरेंगे बॉक्स में या फिर पैसली में तो हम डबल लाइन को थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए, फिर उसके बाद हम भरेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ कर लिया, अब हम उधर के जो डिज़ाइन बनाए थे उसको भरेंगे। तो जो हमने इस स्पिरल के ऊपर बनाया था एक लाइन कर्व वाली, उसको पहले हम भरेंगे, फिर जो हमारी बड़ी वाली हम्स बनी थी उस पर भरेंगे हम। इस तरीके से देखिए डबल लाइन खींचने से हमारे डिज़ाइन समझ में आ रही है। तो जब भी आपको फिलिंग करना होगा वहाँ हमारा लाइन क्या होगा,
हमें हमेशा डबल लाइन बनाना है। जब भी हम फिलिंग वाली जहाँ करेंगे वहाँ डबल लाइन, जिससे हमारा डिज़ाइन होगा इस तरह दिखेगा। अगर हम डबल लाइन नहीं करते तो हमारा डिज़ाइन एक ही में सट जाएगी, यानी आपस में ज्वाइंट हो जाएगी, तो इससे हमारी डिज़ाइन नहीं समझ में आएगा। और बाकी के जो जगह बची थी उसको भी हमें इस तरीके से भर लेना। नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए हमें इसी तरीके से स्पिरल बनाना है, फिर उसके ऊपर दो हम्स बनाएंगे। अब हम यहाँ पर लाइन से डॉट बनाएंगे। पहले हमने स्मॉल लाइन डाला था, फिर बिग लाइन डालेंगे, फिर स्मॉल डालेंगे, फिर बिग डालेंगे। देखिए यहाँ पे स्मॉल है, फिर एक लाइन आपको थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ करना है, फिर बनाना है डॉट देख के। एंड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कर्व लाइन से जहाँ डॉट का हमारा स्मॉल वाला लाइन है उसको नीचे करते हुए कर्व लाइन बना देंगे। अब लाइन के ऊपर हम छोटे छोटे हम्स को बना देंगे। हम्स जो होगा एक बराबर में नहीं बनेगा, जिस तरीके जैसे जैसे हमारा लाइन घुमाए अप डाउन उसी तरीके से हम्स को बनाना है। अब हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे, एकदम आराम आराम से ड्रॉ करना है। सर्कल के ऊपर एक लाइन कर्व करेंगे, फिर उसको फिलिंग, जैसे पहली जो लाइन हम बनाए थे कर्व सर्कल वाले, उसको हम फिल कर लेंगे। दूसरे में भी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं सूखने के लिए, जिससे हमारे जब हम फिल करेंगे ना तो वो जो फिलिंग वाली जो हमारी मोटी लाइन है वो फैलेगी नहीं, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं। अब हमें डबल स्पिरल खींचने के बाद क्या करना है, एक डॉट वाली लाइन डालना है, एक बड़ी लाइन लेना है, फिर डॉट देना है, फिर एक बड़ी लाइन लेना है और डॉट देना है। फिर उसके ऊपर से जैसे सेम डिज़ाइन बनाए थे वही वाली डिज़ाइन है, फिर कर्व करना है, फिर उसके ऊपर स्पिलर, और इसको क्या करना है, भर देना है लास्ट में। जब पूरी हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी तब हम जो स्पिरल के ऊपर जो लाइन ड्रॉ किए थे उसको हम भर देंगे थोड़े देर के बाद। और ये जैसे हमारी थोड़ी सी जगह खाली हो गई तो यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम भरें, तो आपको वही डिज़ाइन को सेम भरना है। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं करना कि हाँ दूसरी डिज़ाइन भरे, तो ऐसा नहीं है, आप सेम डिज़ाइन को भर सकती हैं उसमें। अब नेक्स्ट में हमें तिरछी लाइन यानी ट्रायंगल टाइप का हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। उसके अंदर हम स्मॉल छोटा सा सर्कल बनाएंगे। सर्कल की जो साइज होगी ज़्यादा ना बड़ी होगी ना ज़्यादा छोटी होगी, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरीके से आपको सर्कल बनाना है। अब सर्कल के ऊपर क्या करना है कि छोटे छोटे हम्स को बनाना है, दो हम्स। ये जो डिज़ाइन है काफ़ी हम भरते हैं, जैसे जो बड़ी डिज़ाइन है हम नहीं भर पाते, तो फास्ट अगर हम मेहंदी लगाना होता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, ये सर्कल के ऊपर दो छोटी हम्स वाली डिज़ाइंस को अंदर भर देते हैं, कोई भी पैसली में हो गया फिर अदर डिज़ाइन में। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इस तरीके से हमारा राउंड सर्कल का भी प्रैक्टिस हो रहा है और हम्स का भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो हम्स को हमेशा एकदम क्लियर बनाइए, मोटा नहीं, बिल्कुल लाइट बनाना होता है हम्स को, छोटा छोटा बिल्कुल। इसकी जो साइजेज होगी वो ना ज़्यादा बड़ी होगी ना ज़्यादा छोटी होगी, ऐसा बनाना है कि डिज़ाइन में हमें समझ में आए कि हाँ ये बना है डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए हमें स्पिरल बनाना है और उसके ऊपर डबल लाइन हम्स बनाने हैं। फिर स्पिरल बनाएंगे और इसके ऊपर डबल लाइन हम्स बनाएं। जैसे हमने पहले डिज़ाइन में सर्कल के ऊपर डबल लाइंस का हम्स बनाया, उसी तरीके से ये स्पिरल के ऊपर हमें दो दो हम्स को बना देना है। ये भी डिज़ाइंस को हम काफ़ी भरने के लिए यूज़ करते हैं, ये थोड़ी आसान होती है भरने में हमें। तो इस तरीके से पूरे आप ट्रायंगल के आकार में भी भर के सीख सकते हैं, या फिर जैसे ऊपर बॉक्स बनाइए आप उसमें भी बॉक्सेस में भी भर के आसानी से सीख सकती हैं, और साइड से भी आप चाहो तो प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए हमें स्पिरल बनाना है। स्पिरल के ऊपर हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, देन उसके ऊपर फिर छोटे छोटे हम्स को बनाना है हमें। हम्स की साइज देखिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा, इस बात का केयर करिए। इसके ऊपर हम थोड़े बिग हम्स को बनाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा डार्क रहेगा ये जो हमारा बिग हम्स है, छोटे वाले हम्स के अपेक्षा दिख रहा है जैसे वीडियो में उस तरह से बना। देखिए कोन को हमें लाइट डार्क चलाएंगे तभी हमारी डिज़ाइन अच्छी थोड़ी खिल के आती है। अब उसके ऊपर हमें डबल लाइन ड्रॉ कर लेना है, एंड डबल लाइन के ऊपर हम छोटे छोटे हम्स करेंगे। तो हम्स वाली जो लाइन है वो हमारी थोड़ी सी, जो हम्स हमारी हैं वो क्या है, थोड़ी हल्की है। अब इसके अंदर हम एक ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एक नीचे से लाइन। इस डिज़ाइन को हमने बॉर्डर वाले में जो लाइन वाली डिज़ाइन है इसको सीखा था, तो वही सेम डिज़ाइन है, एक ऊपर से लाइन को ड्रॉ करना एंड एक नीचे से। अब इसके ऊपर हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमारी डिज़ाइन क्या होगी, थोड़ी फिनिशिंग दिखेगी। एंड इसके ऊपर हमें छोटे छोटे लाइट हम्स बनाने हैं, ठीक है। अब जो हमारे बिग हम्स हैं उनको हम फिल कर देंगे लास्ट में,
देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन कहीं डार्क कहीं हल्का अच्छा लग रहा है। और जो स्पिरल वाले में भी हमारा डबल लाइन था उसको भी हम भर के इस तरीके से बना लेंगे। लास्ट हमारा जो ट्रेंगल वाले डिज़ाइन है उसमें हम स्पिरल बनाएंगे। ज़्यादातर जो डिज़ाइन हम स्पिरल पे ही बनाते हैं, सर्कल में या फिर सर्कल पे बनाते हैं। अब और हम्स तो ज़रूर हमारे कोई भी भरने वाली डिज़ाइन हो उसमें हम हम्स का ज़रूर यूज़ करते हैं। बाकी आप डिज़ाइन को इधर उधर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डॉट ड्रॉ करके बना सकते हैं। देखिए जैसे कि इसमें भी अब हम हम्स बनाएंगे तो ये वाली जो हम्स है वो लाइट एकदम पतली पतली राउंड करना है हमें, और राउंड के अंदर फिर हमें एक राउंड वाले हम्स बनाना है। इसमें डबल देखिए जिस तरीके से बना, जैसे हमने एक हम्स बनाया फिर उसके अंदर से एक हम्स बनाया, इस तरीके से बड़ा बड़ा और बिल्कुल कोन को पतला चलाते हुए जो बिग वाले हम्स है उसको हम बना लेंगे। अब उसके ऊपर एक राउंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे और बीच में लाइन को हम भरेंगे, छोटे छोटे स्टैंडिंग लाइन। जो हमारी हम्स के ऊपर जो लाइन ड्रा हुई है वो क्या होगी, राउंड यानी कर्व वाली जो हुई है वो ड्रा हुई है। अब कर्व के अंदर हम स्टैंडिंग लाइन को, स्टैंडिंग लाइन हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था तो वो हम स्टैंडिंग लाइन छोटा छोटा एकदम पतला पतला हमें करना है, कोन को ज़्यादा मोटा करके नहीं भरना है। अब जो फ्लावर है उसको हम भर देंगे इस तरीके से, देखिए हमारा फ्लावर बन गया। अब जो बीच में हमारा गैप था उसमें हम डॉट दे देंगे, तो ये देखिए हमारी फिलिंग की डिज़ाइन बन के रेडी हो गई। तो फोर्थ क्लास हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप भी इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर।